नमस्कार दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? ऐसा है कि आप सभी लोग अच्छे हों, हमेशा खुश रहें, आपकी इच्छाएं सारी पूरी हों। तो हम आज संडे, तो हम अपने काम में लग गए हैं। फटाफट हम अभी सारे घर का काम निपटा रहे हैं। इसी तरह से संडे बीतता है। बहुत सारा काम उस दिन रहता है, क्योंकि पूरे वीक में जितने भी काम रहते हैं उसे इकट्ठा किया जाता है। ये तो रेगुलर है, इसे तो रोज़ ही करना पड़ता है ये सारे काम। हेलो फ्रेंड, तो हम ना आ चुके हैं। संडे वाला दिन तो ऐसे ही बीतता है, पूरा दिन बिजी रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और अभी हमारा खाना बनाना बाकी है, तो अभी हम जा रहे हैं अभी खाना बनाने। आज हम जा रहे हैं चना दाल का फरा बनाने। तो उसके लिए हमने रात में ही चना भिगा दिया था, और उसको हमने छन्नी में पानी इसका सारा छान लिया है, और इसको हमने मिक्सर जार में डाल दिया। उसमें मैंने डाल दिया है 4 हरी मिर्च, साथ में 3-4 लहसुन की कलियाँ। अब इसका हम जो है एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। और ये मैंने पीस लिया है। इसमें मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और अब इसमें आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। अब हम डो लगाएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है लगभग 250 ग्राम आटा, और उसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच नमक। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। साथ ही हम थोड़ा सा अजवाइन को इस तरह से रगड़ते हुए हथेलियों पे डाल देंगे, इससे इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब सब चीज़ों को एक साथ मिला लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसका डो लगा लेंगे, और थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। तब अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम इसे फिर से थोड़ा सा गूथ लेंगे और इसके पेड़े तोड़ लेंगे। तो इसमें 5-6 लगभग पेड़े टूट जाएंगे, यानी कि लोइयाँ बन जाएंगी। अब उसको साथ ही हम पानी रख देंगे गर्म होने के लिए। जब पानी उबाल आ जाए तभी हमें इसमें इसको डालना है, इसलिए हमने पानी एक साइड रख दिया है। अब इसको हम जो है रोटी की तरह बेल लेंगे इस तरह से। अब इस पे हम जो है जो हमने मिक्सर बनाया था उसका थोड़ा सा पोषण इस पे रखेंगे 1 से 2 चम्मच, और इसको रोल कर देंगे इस तरह से। इसे रोल कर लेंगे और दोनों साइड जो है उसे बंद कर देंगे। तो इसी तरह से हमें सारे पेड़ों को तैयार करना है। तो ये एक और हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए, इस तरह से हमें रोटी बेलनी है, फिर इस तरह से लपेट लेना है, रोल बना देना है, और दोनों साइड्स को बंद कर देना है। तो इसी तरह से हमें सारे जो पेड़े हैं उनको तैयार कर लेना है। तो ये हो गए हमारे तैयार, लगभग इसमें 5 से 6 बने हुए हैं। तो इसको हम जो पानी बॉईल हो रहा था उसमें इसे ऐसे डाल देंगे और इसे उबलने देंगे। अभी जब उबल जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे, तो ये ऊपर तैर कर आ जाएंगे। ये देखिए, ऊपर तैर कर आ गए हैं। तो ये लगभग पक गए हैं। तो इसको हम चेक करके एक बार उसमें नाइफ़ डाल के आप चेक कर लेंगे। अगर चिपक रहा है तो कच्चा है, नहीं तो पक चुका है। तो हमारा तो पक चुका है, अब हम इसे कट कर रहे हैं। इस तरह से इसके पीसेज काट लेंगे और इसको अब हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन, ये थोड़ा सा जीरा लगभग 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हमने अजवाइन भी डाला था, और ये 1/2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया सरसों के दाने, और इसे चटकने देंगे। तब इसमें हम जो हमने फरे तैयार किए हैं उसको इसमें डाल देंगे और इसे सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब ये तैयार हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं गैस को बंद करने। हमने गैस बंद कर दिया, अब इसे सर्व करेंगे। हमने इसे केचप के साथ सर्व किया है, आप इसे हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज मैंने बनाया ये चना दाल का फरा, और ये आटे से बना हुआ है। आप जो है चावल के आटे में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और यही रहा आज का हमारा दिन। आज संडे था तो इसी तरह से दिन बीत गया।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।